चलो दो मिनट तुसी जे गल सुननी है तो सुन लो। देखो मेरा मकसद पंजाब दा उत्थान है, उस मकसद तो मैं कदे डोलिया नहीं ना डोलांगा। योगी जदों भी कोई धर्म युद्ध लड़दा है ना तो सारे बंधन कट के हर बंधन तो आजाद होके मौत का भी भय नहीं हुंदा। पंजाब ना खड़े सी ते पंजाब ना खड़े रहांगे। जदों इंसान खालस नीयत दिल दे विच रखता है और उदा उद्देश वड्डा हुंदा है और वो पंजाब ना इश्क करे ते फिर वो हारां जित्तां नहीं देखदा। पहली गल ते ए है। दूजी गल ए जिन्हां ने टोए पट्टे और नवजोत सिंह सिद्धू नूं नीवां करन दी कोशिश कीती, तुसीं देखो 100 गुणे खूह च डिगे कि नहीं गए। तीन चार तो मुख्यमंत्री भुगत गए, समझदा। ये उन्होंने कर्मों के नतीजे है। जिहे जे बीज कोई बोऊगा अंकुर ओह जिहा ही फुटूगा जिहदे नाल उहदे नाम की इज्जत है, जिहदे नाल वाहिगुरु का दिल च प्रकाश है। वो अच्छा नाम इमानदारी की रोटी जब तक किसी इंसान को है उहदा कुछ नहीं गवाया गया। इस करके मैं अज भी अपने उद्देश दे नाल खड़ा, आने वाले समय तक खड़ा रहूँगा। ये राजनीति बदलाव दी सी। पंजाब दे लोकां नूं वधाई दिना कि उन्होंने इन्ना क वधिया निर्णा लैके पंजाब दे रवायती सिस्टम नूं बदल के एक नवी नींह रखी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट तुसीं इह गल कह रहे हां, मैं ठोक के कह रहा कि बदलाव उन्होंने किया और लोग कदे गलत नहीं होंदे। मैं कल भी कहा सी कि लोगों की आवाज़ के परमात्मा की आवाज़ है, उन्होंने समझना चाहिए, नम्रता के नाल नीवा होकर उन्होंने सिर मत्थे लाना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦੇਖਦਾ। तो फिर ये मैनू एक गल दस, नफा नुकसान कितों आ गया? जिन्होंने नफा नुकसान सोचे वो दबे गए बीजे गए। कौन कहता बेअदबी की सज़ा नहीं मिली? दस कौन कहता? जिन्हें कल देखा उन्हूं इस गल की समझ नहीं आई भी बेअदबी की सज़ा है? जिहड़े पंथ के नाँ के उत्ते राज करते कित्थे गए? तो मैं कांग्रेस च रह के चीकां मारियां भी ये माफिया खत्म करो। एंड तक मैं लड़ता रहा, अज भी मैं लड़ रहा भी ये माफिया जब तक पासे नहीं होएगा पंजाब की इनकम नहीं बढ़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर नूं छड़ के हर मसले का हल पंजाब की इनकम है। आपकी सरकार नूं किन्ना चिर सिद्धू साहब समा दोगे तुसीं कि बाद च जे फिर जे बेअदबी का मामला अगे नहीं ना तो मैं समा देना? यह समा लोगों ने देना सी आप नूं। लोगों ने 5 साल एक भरपूर बहुमत जिदा कांग्रेस नूं दित्ती सी, कांग्रेस उस मौके का फायदा नहीं उठा पाई और एक लालची ढोंगी डाकू मुख्यमंत्री जिदा बराबर की चोट बादलों के नाल अट्टी सट्टी हुई नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग मैं कहता हूँ सी, ठीक है, वो लड़ाई लड़ी उन्होंने लाया। वो बहुत हंकार च सी, हंकार उन्होंने होंगे जेडे निजी स्वार्थों जुड़े होंगे बिजनेसा नाल जुड़े होंगे। आप असी नहीं मौका देना, आपनू पंजाब दे लोकां ने मौका दिता और 5 साल लई दिता है। ये बहुत अर्ली है, अजे तो उन्होंने ट्रेलर भी नहीं चलाया। ये वक्त जदों लंघूगा आपकी परफॉर्मेंस असी एज अ वॉचडॉग जरूर एनालाइज करा। 25 सीटां दे पिछली बारी तुसीं प्रचार माझे की गल करां ते कीता सी 22 सीटां आ गईआं सीगीआं, इस बार तुसीं गए नहीं किसी दे रिजल्ट? इस बार मेरा जाना बनता ही नहीं सी क्योंकि मुख्यमंत्री दा जाना बनता है, क्योंकि जिहड़ा बंदा सीएम कैंडीडेट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन्हूं पार्टी ने दिती है उहदा जाना बनता है। मैनू अगर कोई कहिंदा मैं जांदा, लेकिन क्योंकि वो मुख्यमंत्री का एक प्रेरोगेटिव हुंदा है। लास्ट टाइम तुसीं जदों चोण प्रचार खत्म होया बठिंडे 4:40 ते रैली कीती सी मनप्रीत बादल होणा दे नाल, ते वह भी एक प्रभाव छड्ड गई सी, मतलब उन्हूं भी गिंदे सीगे। देखो मैं जिदण 6 तरीक नूं राहुल जी ने चन्नी का नाम अनाउंस किया छोटे भाई का, मैं उहदा हथ खड़ा किया ते मैं उहनूं कहा भाई हुण तेरी जिम्मेवारी है और असी तेरा सहयोगी हाँ।
मैं उहदा एंड तक सहयोग किया, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आया। लेकिन इस मतलब चयन इस चॉइस नूं लोगों ने मनिया या ना मनिया उहदी डुंगाई च मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हाई कमांड का फैसला सी और मैं हाई कमांड का एक किहनूं मानदे कौन जिम्मेवार रिस्पोंसिबिलिटी किसकी है? देखो वेखो ये जिम्मेवारियां या किसी ते उंगल चुकनी वो भी पब्लिक दे विच ये छोटी सोच दे मालिक करते हैं। साडा इरादा वड्डा है, साडी सोच वड्डी है और साडी सोच स्वार्थां च बज्जी नहीं। जो क्रिकेट खेडते मित्रा एक दिन 100 बनाई दा सी, दूजे दिन 100 बनाई दा सी, तीजे दिन 0 ते भी आउट होई दा सी। ये हारां जित्तां बड़ियां देखियां ने लाइफ दे विच, हारां जित्तां बिल्कुल भी किसी इंडिविजुअल दा हार जित दा मसला ही है नहीं। पंजाब किदां जितना है मसला ये, और पंजाब किस तरह जिताउणा है ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਕਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਸੱਦੋ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਵਾਲ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋਜੂ? ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਸਮਝਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਹੋਪ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ 90-92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।